हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर भाग्यश्री मेहता, योर हेयर एंड स्किन एक्सपर्ट फ्रॉम त्वचा स्किन क्लिनिक राजकोट। आज मैं आपको हेयर केयर रिलेटेड 5 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगी जिससे आपके बाल खराब हो रहे हैं और कैसे आप उन गलतियों को रोक के अपने बालों की कंडीशन को सुधार सकते हैं। मिस्टेक नंबर 1, ऑयलिंग फॉर टू लॉन्ग। दोस्तों, हम सबका ये मानना है कि बहुत लंबे समय तक बालों में तेल लगा के रखने से बाल मजबूत होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत लंबे समय तक बालों पे तेल लगा के रखने से आपके बालों में और स्कैल्प में ऑयल और धूल मिक्स होके डैंड्रफ बनाता है, जिससे कि आपके बाल खराब होते हैं। दोस्तों, इससे ज्यादा बेहतर है कि आप 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक अपने स्कैल्प में ऑयल लगाए और फिर उसे वॉश कर ले, ताकि एक्सेस ऑयल रिमूव हो जाए और जितना ऑयल आपके बालों के लिए नेसेसरी है वो रहे। मिस्टेक नंबर 2, ज्यादा स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना। दोस्तों, अगर आप ज़्यादा ब्लो ड्राई करते हैं या हेयर स्टाइलिंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि आयन या कर्ल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके कैरेटिन स्केलेटन को डैमेज करता है और आपके बालों के नेचुरल स्ट्रक्चर को खराब करता है। तो कोशिश करें कि जितना कम से कम हो सके आप स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। मिस्टेक नंबर 3, बालों को रोज धोना या हफ्ते में एक बार धोना। दोस्तों, ऐसे काफ़ी लोग हैं जो बाल रोज धोते हैं, और दूसरी जगह ऐसे कुछ लोग हैं जो सिर्फ हफ्ते में एक ही बार बाल धोते हैं। अगर आप रोज बाल धोते हैं तो आपके स्कैल्प का नेचुरल ऑयल भी रिमूव हो जाता है, और दूसरी तरफ अगर आप हफ्ते में एक बार बाल धोते हैं तो डर्ट और ऑयल मिलके डैंड्रफ बनाने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस ढूंढ के हफ्ते में 2 या 3 दिन में एक बार बाल धोने से आपके बाल ज्यादा अच्छे रहेंगे। हाँ, अगर आप जिम जाते हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जहाँ पे आपको काफी ज्यादा पसीना आता है, तो जरूरी है कि आप अपने बालों को रोज धोएं। मिस्टेक नंबर 4, ज्यादा शैम्पू इस्तेमाल करना। दोस्तों, कई लोगों को लगता है कि 2 बार बाल धोने से या ज्यादा शैम्पू से बाल धोने से बाल ज्यादा क्लीन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप 2 या 3 बार शैम्पू करते हैं तो वो आपके स्कैल्प की स्किन को ड्राई करता है, जिसकी वजह से आपके बाल काफी ज्यादा फ्रिजी हो सकते हैं और एंटेंगल होके वो जड़ सकते हैं। इससे ज्यादा बेहतर है कि आप सिर्फ 1 चम्मच शैम्पू लें और उसे पानी में घोल के अपने स्कैल्प को अच्छे से मसाज करें और धो लें। इससे आपके स्कैल्प के नेसेसरी ऑयल है वो मेंटेन रहेंगे और आपके बालों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। मिस्टेक नंबर 5, नॉट यूजिंग कंडीशनर और यूजिंग कंडीशनर ऑन योर स्कैल्प। कंडीशनर आपके स्कैल्प के स्किन को मॉइस्चराइज करता है और आपके बालों को डिटैंगल करने में हेल्प करता है, जिससे कि आपके बाल शाइनी, स्मूथ और मैनेजेबल होते हैं। लेकिन कुछ लोग रूट्स में भी कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि आपको डैमेज भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि आप कंडीशनर को बालों की लेंथ में लगाएं और फिर उसको वॉश कर लें। अब आप इन गलतियों से बच सकते हैं और साथ ही साथ कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स भी यूज कर सकते हैं जो आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा। मेरा रिकमेंडेशन है ज़ेक्यूस शैम्पू एंड कंडीशनर। नॉट ओनली दे आर पैराबेन फ्री, बट दे ऑल्सो कंटेन सम गुड नेचुरल इंग्रीडियंट्स लाइक दिस। दे आर ऑल गुड फॉर प्रमोटिंग हेल्दी हेयर ग्रोथ एंड रिपेयरिंग हेयर डैमेज। फ्रेंड्स, तो मैं आशा करती हूँ कि अब आप ये हेयर केयर मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे और आप ये टिप्स फॉलो करके अपने बालों को हेल्दी, शाइनी और ब्यूटीफुल बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, स्पेशली उन लोगों के साथ जो ये मिस्टेक्स करते हैं। आगे ही ऐसे यूजफुल टिप्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।